ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, जिसमें दो धुरंधर उम्मीदवार लास्ट राउंड तक जमे रहे। उनका नाम था लिज ट्रस और ऋषि सुनक। लेकिन जब अंतिम राउंड की घोषणा हुई तो ऋषि सुनक को निराशा हाथ लगी और लिज ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हरा दिया। ट्रस को बोरिस जॉनसन की जगह नया प्रधानमंत्री चुना गया। ट्रस और सुनक दोनों कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। ट्रस को 81,326 वोट मिले, जबकि ऋषि सुनक को 60,339 वोट। इस तरह ट्रस ने सुनक को 20,987 मतों से हराकर प्रधानमंत्री पद की रेस जीत ली। लेकिन फिर उसके बाद असली खेल शुरू हुआ और अब एक महीने में लिज ने ब्रिटेन की ऐसी की तैसी कर दी है और लिज का हर तरफ विरोध हो रहा। उनके कई फैसले काफी विवादित रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि दबाव में लिज ट्रस ने वित्त मंत्री को हटा दिया। अब बिजली बिल और छूट को लेकर बवाल जारी है। अब खबर आ रही है कि लिज ट्रस का जाना तय माना जा रहा है। जानकारों की माने तो लिज ट्रस के बारे में ऐसा लगने लगा है कि उनका अपनी कंजर्वेटिव पार्टी और वित्तीय बाजारों में उथल पुथल से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं सटोरियों का दांव प्रधानमंत्री पद की दौड़ में उनके प्रतिद्वंदी रहे ऋषि सुनक की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में वापसी पर है। कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर वो आवाजें बुलंद होने लगी हैं, जिनका कहना है कि किस तरह सुनक ने वित्तीय स्थिति के बारे में चेतावनी पहले ही दे दी थी। हालांकि इस हफ्ते अपने रेडी फॉर ऋषि नेतृत्व अभियान के दल और अन्य अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की मेजबानी करने के दौरान सुनक ने इन विषयों पर चुप्पी साधे रखी। सुनक के एक मित्र के हवाले से द संडे टाइम्स ने कहा कि हालात को देखते हुए पूर्व ब्रिटिश भारतीय चांसलर दुखी हैं। उन्होंने कहा कि ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए था। सुनक ने लिज ट्रस के जीत के ऐलान के बाद साथ मिलकर काम करने का वादा किया था। लिज ट्रस ने भी पार्टी को एकजुट रखने और सभी नेताओं की सलाह पर काम करने का जिक्र किया था। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने टैक्स कटौती का ऐसा दांव चला जो उल्टा पड़ गया। उनके इस कदम की व्यापक स्तर पर निंदा हुई और मजबूरन सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। सट्टेबाजों के ऑड्स एग्रीगेटर ने दिखाया कि 47 साल के ट्रस की जगह लेने के लिए सबसे पसंदीदा की दौड़ में 42 साल के ऋषि सुनक आगे। सुनक की टीम की नजर ब्रिटेन की राजनीति में सबसे उल्लेखनीय राजनीतिक वापसी पर टिकी है। जानकारों की माने तो पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के वफादार सुनक का साथ देंगे, ऐसी संभावना नहीं लगती। वहीं नए वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने रविवार को अपनी पार्टी से कहा कि वो ट्रस के पीछे मजबूती से खड़ी रहे, क्योंकि लोग नेतृत्व में एक और परिवर्तन नहीं चाहते। ट्रस ने अपने करीबी मित्र और विश्वस्त सहयोगी क्वासी क्वार्टेंग को पिछले दिनों बर्खास्त कर हंट को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। क्वार्टेंग वित्त मंत्री के रूप में अपनी खुद की आर्थिक नीतियां लागू कर रही थी। इससे ब्रिटेन में अफरा तफरी का माहौल है और लोग डरे हुए हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और कैसे ब्रिटेन आगे बढ़ता है। लेकिन लग रहा है कि लिज जाएंगी और सुनक आएंगे।